नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके टैक्स से जुड़ी छोटे छोटे उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपको तरीके बताएंगे कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन लाइन के जरिए, या फिर अपने सवाल आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि घर खरीदते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे में अब क्योंकि हम नए वित्त वर्ष में भी प्रवेश कर चुके हैं तो वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं जिनका कि जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या नए नियम हैं जो कि इस पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की तरफ अब रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, घर खरीदारों का जो संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में टैक्स से जुड़े किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, ये भी हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं, और आज के शो में हमारे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा, क्योंकि अब 1 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नए बदलाव हुए हैं टैक्स से जुड़े, इसी में एक बदलाव ये भी हुआ है होम बायर्स के लिए जो कि घर खरीदना चाह रहे हैं, अब उनको सेक्शन 80EEA का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले तो ये बताइए कि ये सेक्शन क्या था, और अब जो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या इससे ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत है होम बायर्स को? देखिए पूजा, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये सेक्शन है 80EEA, और 80EEA फाइनेंस एक्ट 19 में आया था, तो पहले तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 बल्कि आपने अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2022 तक कोई नया मकान परचेज किया है, और आपको 3 कंडीशन पूरी करनी है उसमें, पहली बात यू शुड बी द फर्स्ट टाइम होम बायर, आपका पहला मकान होना चाहिए, दूसरी बात उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात ये आपने जो लोन आपने लिया है आपने उस पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी बैंक से अगर लोन लिया है वो लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में। तो आप एक एडिशनल बेनिफिट सरकार ने दिया था, और एडिशनल बेनिफिट क्या था, 1.5 लाख रुपए तक का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। मैंने एडिशनल बेनिफिट क्यों कहा, क्योंकि आपको धारा 24 में, धारा 24 में जो 2 लाख रुपए की छूट मिलती है हाउसिंग लोन में, वो तो आपको चलती ही रहेगी। ये छूट 2 लाख + 1.5 लाख 3.5 लाख रुपए तक की छूट आपको दी थी। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने 45 लाख का कोई मकान परचेज किया और मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया उस पर, तो सरकार का मतलब कहने का था कि अगर 8% का होम लोन का ब्याज है तो आपको सारा का सारा ब्याज माफ हो जाता था, लेकिन इसमें सनसेट क्लॉज था 31 मार्च 2022, और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में उसको एक्सटेंड नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 2 लाख की छूट तो मिलेगी, पर ये जो 1.5 लाख की एडिशनल छूट, अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद में कोई लोन सैंक्शन करवाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए हमने ये आसान भाषा में समझने की कोशिश की कि इस नियम क्या है और इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल सुनील जी मेरा होगा कि हम होम बायर्स अक्सर काफ़ी सारे फ्लैट्स और मकान ले लेते हैं, और ऐसे में कुछ फ्लैट्स और मकान खाली भी रह जाते हैं, तो क्या उन खाली फ्लैट्स पर भी इनकम टैक्स देना बनता है? बिल्कुल ठीक बात कहा पूजा आपने, आपको आश्चर्य भी होता होगा कि जिस मकान को मैंने किराए पर नहीं उठाया तो सरकार में से इनकम टैक्स क्यों वसूल रही है। देखिए सरकार के 2 पर्पज है, सरकार क्या कहती है कि आप अपने रहने के लिए मकान बनाइए, और इसके लिए सरकार ने आपको होम लोन की छूट भी दी है, आपको एटीसी में छूट भी दी है, आपको इंटरेस्ट की रिबेट भी दी है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि आप उसकी होर्डिंग करें, आप 1, 2, 3, 4 फ्लैट अपने पास रखें, मकान रखें। तो सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले तो आपको केवल एक ही मकान आप होल्ड कर सकते थे, आप रह सकते थे, अगर एक से ज्यादा आपको मकान हुआ करते थे तो आपकी जो डीम्ड रेंटल वैल्यू है उसको टैक्स मान लिया जाता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 19 में सरकार ने एक मेहरबानी की, आप एक की जगह 2 फ्लैट रख सकते हैं। उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग अपने अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण, अपने व्यापार के कारण अपने होम टाउन से शिफ्ट करते हैं दिल्ली, नोएडा, मेट्रो, बॉम्बे, बेंगलोर में, तो वहां भी फ्लैट ले लेते हैं, एक मकान उनके पास में अपने पेरेंटल जगह पर होता है,
तो सरकार ने कहा था कोई बात नहीं, हम दो मकान की आपको छूट दे रहे हैं, आप दो मकान रख सकते हैं, लेकिन दो के अलावा आपके पास कोई फ्लैट है या आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है, आपने उसको किराए पे दिया हो या ना दिया हो, अगर किराए पे दिया है तो आपको धारा 24 में, धारा 22 में टैक्स देना ही है, लेकिन अगर आपको खाली भी है तब भी उसकी डीम रेंटल वैल्यू पर आपको इनकम टैक्स देना होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा फ्लैट हैं तो तीसरे फ्लैट पर आपको आयकर देना पड़ सकता है। सुनील जी, अगर इस छूट को लेकर अक्सर कुछ कन्फ्यूजन होती है तो उसमें हम थोड़ी क्लैरिटी भी आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। हाउसिंग लोन पर ब्याज में कितनी छूट रहती है, 30,000 की या 2 लाख की, और किस केस में कितनी छूट मिलती है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए पूजा जी, आप समझिए कि फाइनेंस एक्ट 1999 में एक प्रोविजन आया था जहां पर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था। तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि मुझे कोई भी हाउसिंग लोन मैंने लिया है तो मुझको 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी उसके ऊपर, लेकिन उसमें एक राइडर है, एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने रिनोवेशन के लिए लोन लिया, रिपेयर के लिए लोन लिया, हाउसिंग लोन, तो आपको केवल छूट 30,000, 30,000 मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो अपने मकान में रहते हुए उसको रिपेयर रिनोवेशन करवाते हैं तो उसमें छूट केवल 30,000 रह जाती है। बहुत सारे लोग अपने पुराने मकान में एक या दो कमरे और बनवा लेते हैं तो उसमें छूट 2 लाख नहीं मिलती। हाँ, अगर आपको 2 लाख की छूट लेनी है तो आपको नक्शा पास करवाना होगा, आपको मैप अप्रूव करना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि ये नई कंस्ट्रक्शन है, तब आपको 2 लाख की छूट मिलेगी, वरना आपकी छूट घटकर 30,000 रुपये रह जाएगी। तो यहाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखें, और यदि मकान नया बनवा रहे हैं तो नक्शा ज़रूर पास करवाएं और उसका भी डॉक्यूमेंट हैंडी रखें छूट का फ़ायदा लेने के लिए। सुनील जी, अक्सर हम देखते हैं कि फ्लैट या मकान खरीदने के लिए हम लोन बैंक से उठाते हैं जिसकी कि छूट आपने समझाया कि मिल सकती है, लेकिन या किसी रिश्तेदार या दोस्त के ज़रिए ये लोन दिया गया हो, उन्होंने उधार दिया हो किसी तरीके का, तो क्या उस पर भी ब्याज दिया जाता सकता है, और उस पर भी क्या ब्याज पर छूट मिल सकती है? तो देखिए, धारा 24 में अगर आपने लोन लिया है मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए, तो चाहे आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिया हो, चाहे किसी बैंक से लिया हो, या अपने किसी रिश्तेदार से भी लिया हो, तब भी आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। और एक बड़े मजे की बात, सरकार ने एक बेनिफिट और दिया है कि अगर आपने उस लोन की रीपेमेंट भी नहीं की इंटरेस्ट की, और अगर ब्याज ड्यू हो गया तब भी आपको छूट मिल जाती है, लेकिन धारा 80EE जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें आपको लोन केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना था। तो धारा 24 में और धारा 80EE में फर्क है कि धारा 24 में आप अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से भी अगर आप हाउसिंग मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं आप छूट क्लेम कर सकते हैं। चलिए, अब हम कुछ सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो फ्लैट है वो पति पत्नी दोनों के नाम पे है तो क्या वो डबल छूट भी एंजॉय कर सकते हैं? क्या वहाँ पर उनको डबल छूट मिलेगी? बड़ा ही ब्यूटीफुल प्रावधान सरकार ने दे रखा है। देखिए, सरकार चाहती है कि महिलाओं को आगे आने का मौका मिले। कुछ राइडर हैं, कुछ खट्टे हैं और कुछ मीठे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर पति और पत्नी दोनों के नाम से मकान है, एक तो आपको पता होगा कि अगर लेडी ओनर है किसी भी हाउस की तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो पहला बेनिफिट सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ओनर है, मान लीजिए आप एक फ्लैट ले रहे हैं और आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, उस पर आपने मान लीजिए 90 लाख या 80 लाख रुपीज का आपने ब्याज होम लोन ले लिया, और अगर आप ज्वाइंट ओनर है उसके, ज्वाइंट ओनर, तो आपको हाउसिंग लोन की छूट, इंटरेस्ट की छूट 2 जमा 2 4 लाख मिलती है, यानी 2 लाख की छूट हस्बैंड क्लेम करेंगे, 2 लाख की छूट वाइफ क्लेम करेगी। इसी तरह से रीपेमेंट की छूट भी डबल हो जाती है, 1.5 जमा 1.5 3 लाख, यानी आप 4 लाख की हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की छूट क्लेम कर सकते हैं और 3 लाख रुपए की रीपेमेंट की भी छूट क्लेम कर सकते हैं अगर दोनों ज्वाइंट ओनर हैं। लेकिन एक इसमें राइडर है, राइडर है धारा 27। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने, हस्बैंड ने मान लो पैसा दे दिया है सारा, और वाइफ तो हाउस वाइफ है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, तो वो डीम्ड ओनर हस्बैंड ही माना जाएगा, उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर वाइफ के पास स्पाउस, ये दोनों के लिए लागू होता है, मान लीजिए वाइफ ने मकान लिया और हस्बैंड को ओनर है, पर दोनों के पास पे सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है, दोनों के पास अपनी कमाई का साधन होना चाहिए,
या वाइफ के पास में मान लीजिए स्थिर धन है, या कहीं और से पैसा गिफ्ट होके आया उसके पास में और वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, तब भी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उसके पास में सेपरेट एक इनकम होनी चाहिए, सेपरेट एक पैसा होना चाहिए जो उसने उस मकान में लगाया, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी सुनील जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मकान के कब्जे की बात की थी कि बिल्डर को एक तय टाइम पर वो मकान का पोजीशन देना जरूरी है, अगर वो नहीं देता है तो क्या हाउसिंग लोन के ब्याज की छूट मिलेगी? ये थोड़ा और डिटेल में हम आपसे समझना चाहेंगे। मैंने आपको बताया ना पूजा जी कि आपको इंटरेस्ट की जो छूट शुरू होती है वो पोजेशन के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले आपको छूट ही नहीं मिलती है। क्योंकि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिला वो आपका मकान ही नहीं है, उसमें आप रह ही नहीं सकते ना, आपका वो रेजिडेंशियल यूनिट ही नहीं है, तो जब वो हाउसिंग ही नहीं है तो आपको छूट कैसे मिलेगी? जब तक पोजेशन नहीं मिलता आपके पास एक राइट टू परचेज होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट है, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो छूट की शुरुआत जब से होती है जब आपको पोजेशन मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, उससे पहले का जो इंटरेस्ट है मैंने बताया था आप उसको क्यूमुलेट कर लीजिए और पोजेशन के बाद 5 इंस्टॉलमेंट में उसको क्लेम कर लीजिए। और अगर आपने छूट क्लेम कर ली है तो आपको सरकार उसको रिवर्स कर सकती है और आपको पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात की, अगर मकान को खरीदा जा रहा है और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो वहां पर किस तरह के टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं? जी देखिए जो धारा 22 है वो कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस का मतलब रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, हाउस का मतलब 4 दीवारी जहां पर कोई भी रह सकता। तो एक कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता है कि क्या ये छूट होम लोन वालों को मिलती है या रेजिडेंशियल हाउस वालों को मिलती है डिडक्शन, तो ऐसा नहीं है जी। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की और उसको रेंट पे दे दिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो आपकी जो रेंटल इनकम आएगी उसके अगेंस्ट भी आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को उसकी भी छूट क्लेम कर सकते हैं। हाँ जो 2 लाख वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली है कि जहां पर अगर मान लीजिए आपने अपना मकान है आप उसमें खुद रहते हैं, अगर रेजिडेंशियल हाउस है आपके पास में आप खुद रहते हैं तो आपकी रेंटल वैल्यू 0 है, तब आप 2 लाख रुपए की लॉस भी क्लेम कर लेते हैं हाउसिंग लोन का, हाउसिंग इंटरेस्ट का। आप इंटरेस्ट का हाउसिंग का 2 लाख का लॉस क्लेम करते हैं और दूसरी इनकम के दूसरी किसी हेड से उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं, इवन सैलरी से भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, अगर मान लो आपको सैलरी की इनकम है और आपने एक फ्लैट ले रखा है, उस फ्लैट पे आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आपको आपको 2 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी से इनकम से उसको डिडक्शन मिल जाती है, तो उसको कहते हैं हम लॉस की एडजस्टमेंट। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये वाला बेनिफिट नहीं होता है। हाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ली है आपको रेंट आ रहा है, उस रेंट के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट क्लेम कर लीजिए, वो आप सरकार ने आपको अलाउ कर रखा है। तो यहाँ पर अगर मकान आपने बात की जैसे किराए पर अगर दिया है उससे जो आमदनी होती है तो क्या टैक्स पूरे किराए पर देना पड़ता है या कोई छूट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में ये क्लेम कर सकते हैं ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। 3 छूटें सरकार ने दी हैं आपको, 3। अगर आप किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो 3 छूट आपको मिलती हैं। नंबर 1 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको 30% सीधा छूट मिल जाती है। और किस काम की मिलती है? कोई आपने रिपेयर करवाया होगा उसमें कोई मेंटेनेंस करवानी पड़ सकती है आपको, तो सरकार कहती है आप मान लीजिए कितने की भी रिपेयर मेंटेनेंस करवाइए हम आपको 30% की छूट दे देंगे, आप रिपेयर करवाएं तो आप करवाएं ना तो। अगर आप मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए साल का रेंट आ रहा है तो 60,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरी छूट मिलती है आपको अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन वो इंटरेस्ट किसने पे किया है? उस मकान को खरीदने के लिए, उस हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ही आपको छूट मिलेगी। और तीसरी छूट अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो आपको छूट मिल जाती है। पर यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, म्यूनिसिपल टैक्सेस की छूट आपको जब ही मिलेगी जब आप उसको पे करेंगे, अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किया मान लो 20 साल तो आपको छूट नहीं मिलेगी। हाँ बाद में आपको मान लीजिए 5 साल का म्यूनिसिपल टैक्स एक साथ पे करना पड़ा तो आप पूरी 5 साल की छूट क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की छूट मैं जैसे मैंने पहले ही बताया था वो आप ड्यू बेसिस पे, आपने इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है, अगर वो ड्यू हो गया आप उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। ये सरकार ने आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे रखा है जो कि हाउसिंग से, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम या हाउसिंग प्रॉपर्टी से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हैं, तो सरकार ने आपको बहुत बेनिफिट दे रखे हैं।
चलिए सुनील जी, आप कुछ सिचुएशन सवाल भी जो अक्सर हमारे दर्शकों की तरफ से हमें मिलते रहते हैं, उस पर भी हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक ये सिचुएशन है कि मान लीजिए फ्लैट पत्नी के नाम पे है, लेकिन उसका पेमेंट जो लोन के पैसे हैं वो पति चुका रहा है, तो छूट किसको मिलेगी? इस कंडीशन को हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं, तो इस केस में छूट किसके मिलेगी, ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर सारे पैसे हस्बैंड ने दिए तो 27 जो धारा है ना, वो सारा खेल बिगाड़ देती है, वो सारा काम खराब कर देती है, जिसमें डीम्ड ओनरशिप की बात की है। तो अगर आपके हस्बैंड ने सारे पैसे दिए, या वाइस वर्सा, वाइफ ने सारे पैसे दिए और ज्वाइंट ओनर हस्बैंड को बना लिया, तो जिसने पैसे दिए हैं, हु हैज पेड द कंसिडरेशन, वही डीम्ड ओनर माना जाएगा पूरी प्रॉपर्टी का। हाँ, स्टैंप ड्यूटी में तो बेनिफिट मिल जाएगा, स्टैंप ड्यूटी में, क्योंकि स्टेट का मामला है। अगर आपने हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइंट ओनरशिप में मकान लिया तो आपको पता होगा स्टैंप ड्यूटी कम लगती है, और खाली वाइफ के नाम से मकान लेंगे तो और ज्यादा कम लगती है। हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम से मकान ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, लेकिन इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी अगर उसने पैसे दिए। ऐसे ही वाइफ ने अगर पैसे दिए तो इनकम वाइफ की मानी जाएगी, उसकी रेंटल इनकम भी वाइफ की मानी जाएगी, और छूट भी केवल वाइफ को या हस्बैंड को, जो सा भी केस है उसको मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। और अगर क्या कोई एम्प्लॉय अपनी मदर या फादर या फिर पत्नी को मकान किराए पर देता है, तो क्या एचआरए का भी फायदा यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है, तो वहाँ पर क्या एचआरए का फायदा भी वो उठा सकता है? देखो पूजा, ये जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज है ना, उनको ये हमेशा बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि होता क्या है कि उनका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और एक हाउस रेंट अलाउंस की छूट जो सेक्शन 10, सेक्शन 10, सब सेक्शन 13 में दे रखी है, बहुत बड़ी छूट है। 40% ऑफ द सैलरी तक आपको छूट मिलती है। तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जी हम मकान किराए पे तो रहते नहीं है, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को किराया देकर हम छूट क्लेम कर लेते हैं? और बहुत सारे लोग इस गहमा गहमी में रसीदें गलत भी बनवा लेते हैं। तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, अगर आप अपने फादर के मकान में रह रहे हैं, अपने मदर के मकान में रह रहे हैं, परंतु ओनर फादर या मदर ही होने चाहिए, अगर फ्लैट आपका है और रसीद आप फादर के नाम से दे रहे हैं, तो गलत है। वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, वो आपने गलत फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, तो आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके फादर के नाम से मकान है, आपकी मदर के नाम से मकान है और उसके ओनर है, तो आपको उनको चेक देकर उनसे आप रसीद प्राप्त कर लीजिए बकायदा, और आप उनको पेमेंट भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि खाली रसीद लेनी है आपका, आपको रेंट की इनकम दीजिए उनको, अपने पेरेंट्स को, और आप एचआरडी की क्लेम आप छूट कर सकते हैं बहुत प्यार से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जी आपको अपने फादर की या मदर की वो रेंटल इनकम भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एचआरडी की छूट क्लेम कर ली और अपने मदर की, फादर की इनकम नहीं दिखाई रेंटल की, तो जी कंसीलमेंट हो जाएगी। अब सवाल उठा वाइफ का, इस पे हमेशा बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हस्बैंड वाइफ एक ही मकान में रह रहे हैं, एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, वाइफ ने मान लो फ्लैट ले रखा है, अब हस्बैंड को क्या वो किराए पे दे सकती है? ये बड़ा सवाल टिपिकल है। तो एक्ट इसमें कुछ नहीं कहता। हाँ, अभी एक रिसेंट डिसीजन आया ITAT का, और उसमें कहा है जज साहब ने कि भाई ठीक है, अगर वाइफ ने मकान लिया और उस अपने पैसे से लिया, अपने सोर्स से लिया, ऑफ कोर्स वो अपने हस्बैंड से रेंट ले सकती है, और उस वो एचआरए क्लेम वो छूट क्लेम कर सकते हैं, और वाइफ को रेंटल इनकम होगी। लेकिन मैंने बताया एक्ट इसमें साइलेंट है, ये डिसीजन है ट्रिब्यूनल्स के। तो आप अगर इसमें फैसला लेते हैं तो आपको सोच समझ के अपने कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही लेना चाहिए। ओके, तो चलिए सुनील जी, काफ़ी सारे सवाल थे हमारे मन में जो कि आपने उन्हें सुलझाने की कोशिश की, और नए नियम क्या आए हैं, क्या कहते हैं, ये भी आपने हमें बताया। इस बीच हमें कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है कि रेजिडेंशियल हाउस उन्होंने बेचा था, उस पर LTCG टैक्स जो बनता है उसको बचाने के लिए, उसकी बचत करने के लिए क्या वो दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डर प्रोजेक्ट है क्या वो खरीद सकते हैं, और इस केस में टैक्स विभाग टैक्स कैलकुलेशन के लिए कौन सी तारीख कंसिडर करेगा, डेट ऑफ बुकिंग कंसिडर करेगा, या फिर जब हमने फुल पेमेंट कर दिया हो वो डेट कंसिडर की जाएगी, या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंसिडर की जाएगी, कौन सी तारीख यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग कंसिडर करेगा, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए पूजा, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, हम इसको बड़ी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जी एक धारा है 54-54, जहां पर आपको छूट मिलती है अगर आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा और आपने दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया। तो पहले तो आप एक रेजिडेंशियल के बदले एक ही रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते थे, पर स्वर्गीय माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रोविजन को चेंज किया था। उन्होंने कहा था कि एक के बदले दो फ्लैट भी आप परचेज कर सकते हैं। मान लो ज्वाइंट फैमिली है, एक फादर ने एक मकान बेचा, उसके दो बच्चे हैं, तो
तो चाहेंगे कि मैं दो फ्लैट ले लूं, तो एक ही छूट दे दी सरकार ने। अब सवाल ये उठता है कि आपने अगर एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का आपने रेजिडेंशियल हाउस बेच दिया और आपने वो खरीदा था 50 लाख रुपए का, और इंडेक्सेशन के बाद में उसकी कीमत 1.25 करोड़ होगी, तो 75 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया, और 75 लाख रुपए पर आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है वो 20% टैक्स देना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो सरकार ने एक सहूलियत दी कि आप रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद लीजिए, हम आपको छूट दे देंगे। अब सवाल ये कि रेजिडेंशियल हाउस ना तो एक दिन में लिया जाता है ना बनाया जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने कुछ टाइम लिमिट्स दिए, तो पहली टाइम लिमिट क्या है कि अगर आपने 1 साल पहले भी कोई मकान परचेज किया है, 1 ईयर बिफोर, आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपने मकान बेचा, तो आपने अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद में कोई मकान खरीदा है तो जी उसकी छूट भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये ओके आपको पहले आश्चर्य होगा कि मैंने मकान खरीदा था पहले, बेचा है आप, भी तो मेरे को पैसे कहां से आए होंगे। तो सरकार ने कहा पैसे की कोई बात नहीं, आपने खरीदा होना चाहिए, चाहे आपने लोन लेके खरीदा होना चाहिए, हम उसको मान लेंगे, छूट दे देंगे। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो सेल कंसिडरेशन आपको आता है आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक फायदा तो ये दे दिया। दूसरा फायदा वो कहते हैं जी आप 2 साल तक मकान खरीद लीजिए, यानी 1 अप्रैल 22 को आप मकान बेच रहे हैं, आप अगले 2 साल में 31 मार्च 2024 तक मकान खरीद लीजिए, हम आपको छूट दे देंगे। या 3 साल तक मकान बना लीजिए, यानी 31 मार्च 2025 तक मकान बना लीजिए, हम आपको छूट दे देंगे। अब सवाल ये उठता है, लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए मेरे को जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो तो 31 जुलाई को फाइल करनी होती है, या अगले साल भरूंगा तो 31 जुलाई 23 तक भर दूंगा, अब मकान मुझे 2025 तक बनाना, तो छूट कैसे मिलेगी। तो सरकार ने एक चीज, एक सहूलियत तोड़ दी, उसने उन्होंने कहा कि रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले अगर आप मकान नहीं खरीद पाए या नहीं बना पाए तो आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोल लीजिए किसी बैंक में जाके, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उतना पैसा जमा करवा दीजिए जितना आपका कैपिटल गेन बनता है, हम आपको छूट दे देंगे। आपने जमा करवा दिया उस पैसे को, और जब आपने मकान खरीदना हो बनाना हो टाइम लिमिट के अंदर अंदर, आप उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाल लीजिए और मकान खरीद दीजिए। तो बड़ा सरल सा नियम सरकार ने कर दिया, आपको 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए, 2 साल बनाने के लिए, और 1 साल पिछला भी आपको दे दिया, अगर आपने कोई मकान खरीदा है हम उसका बेनिफिट आपको दे देंगे। और सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप उसी पैसे को कंसीडर, उसी पैसे को लगाएं जो 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 आपको कंसीडरेशन से आया है, आप हाउसिंग लोन लेके भी पैसा लगा देंगे तो आप हम मान लेंगे। एक छूट और देती है सरकार, जी वो है 54EC, मतलब अगर आप मकान के बदले मकान नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते, वो चाहते मेरे पास लिक्विड कैश बचा रहे, तो आपको कहा कि आप 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड्स दे लीजिए। NHAI के बॉन्ड्स आते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड आते हैं, आप जो नोटिफाइड बॉन्ड है धारा 54EC में आप ले लीजिए, लेकिन उसकी लिमिट 50 लाख रुपए, 50 लाख, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं ले सकते, आप उनकी छूट क्लेम कर सकते हैं। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, और अगले कुछ सवाल हैं वो हम अगले अपने एपिसोड्स में कवर करने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स के। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का, और इस शो के ज़रिए हमें जो कुछ गुरु मंत्र मिले हैं वो ये हैं कि मकान नया बनवा रहे हैं तो नक्शा ज़रूर उसका पास करवाएं, और उससे जुड़े दस्तावेज ज़रूर रखें इनकम टैक्स के तहत छूट लेने के लिए, और सही छूट लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रखना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा गुरु मंत्र, यदि आपने लोन लेने के 5 साल तक मकान या फ्लैट नहीं बनवाया तो छूट 2 लाख से घटकर केवल 30,000 ही रह जाएगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और तीसरा इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र, जब तक बिल्डर आपको फ्लैट का कब्जा नहीं देता तब तक ब्याज की छूट आप नहीं ले सकते, इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो मकान खरीदने जा रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, बिल्डर के पास अभी भी पोजेशन है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।